न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम ऐतिहासिक शहर मेहरौली में मौजूद हैं, जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA की कार्रवाई पर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है। यहां लोगों का कहना है कि हाई कोर्ट ने स्टे इन घरों पर लगा दिया है, इसके बावजूद DDA की कार्रवाई जारी है। कुछ बिल्डिंगें हैं, लोगों ने हमको बताया कि कल उन्होंने अपना स्टे नोटिस दिखाया, तब DDA रुक गई। बगल की कुछ बिल्डिंगें हैं जहाँ पर DDA की कार्रवाई लागू नहीं होती है, ऐसा लोगों का कहना है। जनता यहाँ पर लगातार विरोध कर रही है इस कार्रवाई का। लोग कह रही है कि हमने EMI पर ये घर खरीदे हैं, वो इन घरों की EMI देते हैं। और जैसा कि और भी जगहों पर जब बुलडोज़र चलता है तब जब बातें सामने आती हैं, वही कुछ मेहरौली में भी देखने को मिल रहा है। ये वो लोग हैं जिनके बिजली के मीटर यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जिनके पक्के मकान हैं, ये झुग्गियाँ नहीं हैं, ये पक्के मकान हैं जो कि तोड़े जा रहे हैं। DDA की कार्रवाई जारी है, हम ग्राउंड पर मौजूद हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए न्यूज़ क्लिक की ये खास रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, तुगलकी फरमान आप सुना? पहले सुनते थे कि मुगल आए थे और वो आए थे, अंग्रेज आए थे, वैसे ही मोदी जी कर रहे हैं अभी हमारे साथ। मोदी जी यही कर रहे हैं, आओ और तोड़वा दो घर। और क्या बोलेंगे बताए, उन्होंने बोर्ड के सामने बोला था कि जिसका जहाँ घर है वहीं रहेगा, अब वो साला झुग्गी भी नहीं है और उसको ये तोड़वा रहे हैं। बताइए, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अभी हम फ्लैट में भी नहीं रह रहे हैं। बताइए क्या करेंगे बताए सर, रजिस्ट्री हमने 80,000 रुपया दिया रजिस्ट्री का, SDM साहब खड़े होके बकायदा विटनेस के साथ हमारी रजिस्ट्री करवाए, अब बताइए वो कहाँ गया? सब्सिडी कहाँ से फेंक हो सकती है, क्यों देगी फिर प्रधानमंत्री योजना में हमें सब्सिडी? यहाँ पर सब्सिडी दे रहे हो तुम, यहाँ पे सब कुछ दे रहे हो, कहाँ से आ गया फिर वो? अभी इलीगल चीज अभी लीगल हो गई है, तुमने आगे तोड़ना शुरू कर दिया है। कभी तुम पूछ दिखा रहे स्टे ऑर्डर, हमने फ्लैटों में पैसे लगा दिया, रजिस्ट्री में पैसे लगा दिया, स्टे ऑर्डर के लिए हम पैसे भरे जा रहे हैं, हम अपना पेट काट काट के ये चीजें कर रहे हैं, कहाँ करें हम, क्या करेंगे हम अपने पैसे लगा लगा के स्टे ऑर्डर लेकर आ रहे हैं? ये रजिस्ट्री हमारे घर में नहीं हुई है ना, इतने लोगों का रजिस्ट्री तो हम जाकर कोर्ट में करवाए हैं, उस टाइम क्यों नहीं रोके? क्या वायदा है तुम्हारा रजिस्ट्री नहीं होगा? उस टाइम रोकना था ना, ये DDA वाले का पता नहीं था सब कुछ है, हमारे नाम से आया। अब बताइए, हमारी पूरी फैमिली रहती है, हमारी पूरी जिंदगी की जीवन पूंजी लग गई है इसमें हमें रजिस्ट्री मिली, पानी बिजली हर एक चीज़ की फैसिलिटी मिली, सब प्रोवाइड हुआ, तहसील से प्रॉपर यहाँ रजिस्ट्री हुई, बैंकों से लोन हुआ, हमने अपने सारा जमा पूंजी यहाँ पे लगा दी है। अब लोग कहाँ जाए? DDA 30-40 साल से कहाँ थी? यहाँ 30 से 40 हज़ार मकान है, लोग बोल रहे हैं एक दो बिल्डिंग होती समझ आता, DDA बोल रही है हमारी प्रॉपर्टी है। अगर ये हमारी प्रॉपर्टी है तो अभी तक DDA कहाँ थी? ना हमें कोई इंसाफ मिल रहा है, लोगों को सामान निकाल निकाल के सड़कों पे फेंका जा रहा है, ना उनको घर मिल रहा है, ना उनको मुआवजा मिल रहा है, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? ये सब जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, वैसे ही इलेक्शन के बाद से इनने 2 दिन बाद ये नोटिस लगा दिए कि ये DDA की प्रॉपर्टी है। DDA अभी तक क्यों कहाँ थी? कोई भी ऐसा नहीं है, जब वोट मांगने आते हैं कोई नेता कुछ दिलासा देता है, कोई कुछ देता है, सबर आ जाता है, सबर दिला देते हैं। अरे कमाने खाने अपने गांव की जमीन बेच बेच के यहाँ पे बना रखा है सबने, अरे थोड़ा तो रहम करो, थोड़ा तो तरस खाओ, समझो कितना दिल दुखा रहा है। कोई मर जा, किसी को अटैक पड़ जा, कोई बीमार पड़ जाए, इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाउस टैक्स भी भरे हुए हमने, गवर्नमेंट ने बाकायदा, मैं दिखा सकता हूँ मोबाइल में, हमारा हाउस टैक्स भी भरा हुआ है, अब ये कहाँ से अवैध हो गया? और कुछ नई चीज बताइए कि तुम ये लेके आओ तब हम समझे कि हम अवैध है, आप ही बता दीजिए। अब कुछ बोला यहाँ से लिमिटेशन नहीं हमारी, हम 100 मीटर और आगे पढ़ेंगे, तो उन्होंने क्या है अपनी तो पार्क बना देगा, तो पार्क की जगह पहले से ही थी। जो ये पार्क बनाएंगे, पार्क किसके लिए बना रहे हैं? पार्क में इंसान रहेगा तभी तो पार्क चाहिए सर, किसके लिए पार्क बना रहे हैं? कौन रहेगा इस पार्क में? मोदी जी आएंगे? पार्क आप बनाइए, पार्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्क से हम भी हैप्पी हैं, बट जो आपकी पुरानी डिमार्केशन थी 2017 की, आप उस लाइन को रद्द करके आप एक नई लाइन खींच रहे हो। यही सर लाइन है कि बस यहाँ तक बनना था सर, दीवार भी वहीं तक है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं भाई, पता नहीं, एकदम से नशे में आए और 2021 में एक नई लाइन खींच दी कि आज से हमारी जमीन यहाँ से, उस चक्कर में ये सारे उस लाइन के अंदर आ गए हैं, तो गलती उनकी है। या तो आप पुरानी लाइनें मान लो, हर 5-5 साल में नई लाइनें खींचते जाओगे तो आम आदमी तो पागल होता रहेगा। ऐसी किस चल रही है हमारी एक साल से, बताओ किस कहाँ देंगे हम, किस देंगे, या बच्चों को पालेंगे या किराया देंगे? क्या,
दिया? सारे पैसे हमने जमीन गांव की बेच के हमने लिया है इसको, गांव का खेत बेचा हमने, बताओ अब हम कहां जाएंगे। साल 2015 में इस केस की शुरुआत होती है। एक एनजीओ है जिसका नाम है इंटेक। इंटेक ने एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की जिसमें उसने ये कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि जितने भी फॉरेस्ट लैंड है डीडीए का आर्कोलॉजिकल का उसको इंक्रोचमेंट फ्री किया जाए। कोर्ट ने इसका नोटिस इशू किया है डिपार्टमेंट्स को, और डिपार्टमेंट को नोटिस इशू करने के बाद कोर्ट ने इसका डिमार्केशन किया, डिमार्केशन रिपोर्ट फाइल कोर्ट में की है अगेंस्ट। अगेन फिर भी इंटेक ने फिर इसको इशू रेज किया कि जितना भी इंक्रोचमेंट हुआ है उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शंस लिए जाएँ। तो कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच ने, डबल बेंच ने इसको डेमोलेशन के ऑर्डर्स 12 दिसंबर को पास किया, 12 दिसंबर को ऑर्डर पास किए जिसमें 10 दिन का वैकेंट करने की प्रॉपर्टी को यहाँ लोगों को समय दिया गया, जिसके बाद से ही लगातार ये आशंका बनी हुई थी कि विभाग के विभिन्न विभागों के लोग कभी भी इस कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं, और वही कार्रवाई अब लोगों के बीच में शुरू हो चुकी है। स्थानीय नागरिक होने के नाते, यहाँ का मूल निवासी होने के नाते, मैं जन्म से ही इस स्थान पर रहता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ दिल्ली के एलजी साहब से कि परीक्षाओं का समय है, बोर्ड के पेपर भी अगले हफ्ते से चालू होने वाले हैं, कृपया करके बच्चों का हित देखा जाए, शिक्षा का हित देखा जाए। जिन बिल्डिंगों का डेमोलेशन चल रहा है, इन्हीं बिल्डिंगों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से किया गया, इन्हीं गरीब लोगों से हजारों लाखों रुपये रजिस्ट्री के नाम पर लिए गए हैं, राजस्व इकट्ठा किया गया है, जितना ये प्रचार प्रसार लोग करते हैं इसी पैसे से करते हैं। आज वही रेवेन्यू डिपार्टमेंट सभी लोग उनकी रजिस्ट्रियों को कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है। मेरा माननीय न्यायालय से, एलजी साहब से, केंद्र सरकार से आग्रह है कि इन लोगों के साथ न्याय हो। इन लोगों ने तो केवल प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास करते हुए, एलजी साहब के ऊपर विश्वास करते हुए, दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर विश्वास करते हुए रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं, बाकायदा महिलाओं को लाभ मिला है, 2.5 लाख रुपये का गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। इन्हीं स्कूलों में बच्चे जो पढ़ते हैं वो सरकारी स्कूलों में यही एड्रेस हैं, तो उस समय गवर्नमेंट ने इन रजिस्ट्रियों को मान लिया पैसा कलेक्ट करते समय, पैसा इकट्ठा करते समय, लेकिन अब इन्हीं लोगों को, इनके कागज़ों को मानने से गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया, कोर्ट ने इनकार कर दिया। मेरा आग्रह है कि उचित कार्रवाई उन अधिकारियों के ऊपर भी की जाए जिन अधिकारियों ने, जिन SDMO ने, जिन DDA के विभाग के लोगों ने इन बिल्डिंगों को बनने दिया। आज आम लोग इन चक्कर में फंस गए हैं, अब बेचारा आम आदमी कहाँ जाए, बिल्डर बेच के चले गए, अधिकारियों ने पैसा खा लिया, उस समय पुलिस भी नहीं आई, लेकिन आज लोग पीड़ित हैं। 12 साल से काम कर रहे हैं हम, 12 साल में बनाए हैं अपना घर, ऐसे आके तोड़ के जाएंगे, बताइए लेके।